सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सीमा और आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के जोहरवेली मुंशारी के इस खूबसूरत क्षेत्र से। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए फिर दोस्तों आज की नई ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर ही लेते हैं। आज है दोस्तों 17 तारीख और आपको मैंने बताया कि आजकल पहाड़ों में मेलों का सीजन चल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे वहाँ जो मेला होता है वो होता है नंदाष्टमी और वो होता है डानाधार में, और जो दूसरा मेला होता है दोस्तों वो होता है धरकोट में दोस्तों दुर्गा माता का मंदिर है तो वहाँ आज मेला है। और अभी मैं रेडी होकर मेला देखने के लिए जा रही हूँ। मेरे साथ है यहाँ पे को निक्कू और निशु है, तो हम तीनों जा रहे हैं और कोई नहीं आ रहा हमारे साथ वाले, तो हम तीनों जा रहे हैं मेला देखने के लिए स्पेशली आपके लिए, क्योंकि आपका कमेंट आया था कि धरकोट का मेला भी दिखाना करके, तो इसीलिए मैं जा रही हूँ फटाफट रेडी होके। अभी टाइम 2:30 बज गए हैं। मम्मी से खर्चा पानी लेके आ, मिल गया दोस्तों। चलो फिर चलो, भाई का कॉल आ रहा है, भैया के साथ जा रहे हैं हम लोग, फटाफट जाते हैं। आज के मौसम की बात किया जाए दोस्तों तो आप देख सकते हैं कितने ढेर सारे बादल हैं आसमान में, और यह ऐसा मौसम ठीक रहता है क्योंकि तैयार हुए ना, नहीं तो सारा मेकअप बह जाएगा अगर धूप आएगी तो। मतलब मेकअप के लिए तो बेस्ट मौसम है और बारिश नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग निकल गए हैं घर से और हमें जाना है अभी सीधे भाई के पास। भाई मार्केट में हमें वेट कर रहा है हमारा। तो हम लोग मार्केट में पहुँच गए हैं, भैया सामने पे है। आज हमारे साथ निक्कू भी आया, निक्कू के साथ मज़ा आता है क्योंकि निक्कू बहुत कॉमेडी करता है। ये रहा भैया, यहाँ पे लगाया उसने गाड़ी। चलो फिर चलो चलो बैठो बैठो। तो चलिए दोस्तों हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं, अब जाते हैं धरकोट की तरफ को और आपको भी दिखाते हैं मेला धरकोट का। चलिए दोस्तों मुंशारी मार्केट से हम लोग पहुंच गए हैं धरकोट पे, और यहाँ पे ना रोड से ही गाड़ियों के और लोगों की भीड़ दिखना स्टार्ट हो गई है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों आप आज धरकोट का माहौल कितना चहल पहल है। तो इधर को तो बस गाड़ी पार्किंग में लगा रखा है, जो मेला होगा वो थोड़ा इससे आगे आगे पे जाके मिलेगा हमें। दुकानें वगैरह लगी हुई है, हाय थैंक यू। दुकानें लगी हैं वो आगे से लगी होंगी क्योंकि यहाँ पे सारी गाड़ियाँ लगी हैं। हेलो गाइज, कैसे हो? तो ये देख सकते हैं दोस्तों इधर से ना दुकानें वगैरह सारी लगी हुई हैं। ये मार्केट, ये जो मेला होता है वो रोड के अगल बगल ही रखता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जाएंगे मंदिर पे, फिर बाकी आपको बाद में दिखाते हैं। अभी तो भीड़ भाड़ भी कम है, अभी लोग पहुंचे नहीं है क्योंकि 2:30 बजे है। अभी 3-3:30 बजे से होगी चहल पहल, ज़्यादा लोग दिखेंगे आप लोगों को। सबसे पहले हम जा रहे हैं मंदिर पे। हम ना सही टाइम पे पहुँचे हैं आज पहली बार। यहाँ पे ना कुछ झांकी टाइप की निकली हुई है, शायद ये मंदिर पे लेके जा रहे होंगे। अभी पूछते हैं किसी से। ज़्यादा भीड़ है, शायद मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही होगी। ये देखिए दोस्तों हर जगह से आपको लोग ही लोग दिखेंगे यहाँ पे, अभी बहुत ज़्यादा मात्रा पे यहाँ पे भीड़ है। Thank you.
यू। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कहाँ से हो आप? डुमर से हो? अच्छा, थैंक यू। चलिए दोस्तों, मंदिर में आके यहाँ पे जो झांकी आई थी परिक्रमा किया मंदिर का, उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देवता आया। अभी हम लोगों ने देवता वगैरह भी देख लिया है। थोड़ी देर में दोस्तों यहाँ पे तो अभी ना झोरा चाचरी लगेंगे, तो आपको वो भी दिखाएंगे। और यहाँ पे भी ना दोस्तों मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मिलने हैं। मिनी ब्लॉग को ज़्यादा प्यार मिला दोस्तों। मिनी ब्लॉगिंग की बात कर रहे हैं सभी लोग, तो थैंक यू गाइज। आप लोगों का प्यार देख के बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना। यहाँ पे निशु और निक्कू भी बैठे हैं। कैसा लगा देवता देख के? अच्छा लगा, पर कुछ मिला ही नहीं, खाली हाथ। तो गाइज आप लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ का जो भोटिया ड्रेस है, भोटिया कल्चर है दोस्तों, गोगोर कोमल सभी लोगों ने वो पहन रखा है। हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो पहचान है, हम यहाँ मुंशारी वालों की गोगोर कोमल, तो सब लोगों ने वही पहना है। और आप देख सकते हैं दोस्तों कितने लोग लगे हुए यहाँ पे चाचरी में। गाँव के लोगों में ना दोस्तों चाचरी गाने का बहुत ही ज़्यादा मतलब शौक होता है उन लोगों को। कभी भी मेला हो तो वो लोग लग जाते हैं। मेला क्या दोस्तों, कुछ भी फंक्शन होता है तो दोस्तों सभी लोग ना यहाँ पे चाचरी गाने के लिए लग जाते हैं। तो अभी तो मेला जो है दोस्तों, और मेले में आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन है, ये देखो। थैंक यू, शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए वीडियो। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। तो गाइज अभी हम लोग मंदिर पे आ गए हैं टीका वगैरह लगाने के लिए, और यहाँ से हम लोग घर के लिए फूल वगैरह भी लेके जाएंगे। अभी लोग सीख लेने के लिए आए अपने घरों के लिए, और ये देख सकते हो भीड़ भी बहुत ज्यादा है। थैंक यू।
लाइट मत आते वीडियो चैनल करे नाम किछे करे सीमा ब्लॉग्स का पर्चे अच्छा हां अच्छा थैंक यू अच्छा ये बाय हाँ ठीक है अच्छा बात कोट से बढ़िया तीन भले रहा है चला मैल जलेबी नहीं खाया अच्छा ठीक एम लो अनु पे थैंक यू एम लो अनु का पति नहीं कहते मिलत तो कहाँ से आए हो मतकोट से आए हैं अच्छा क्या क्या किया फिर खा लिया जलेबी वलेबी खाया नहीं खाया अच्छा यहीं रहोगे आज या फिर जाओगे मतकोट जाओगे अच्छा थैंक यू फिर बाय बाय क्राइम है सच्ची कहाँ से हो आप यहीं से हो अच्छा थैंक यू नमस्ते फिर अच्छा थैंक यू अच्छा धर्म सत्तू अच्छा हाँ थैंक यू लॉन्ग वाला वीडियो ने तब हिंदी में चलना है थैंक यू तमर बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए है अच्छा तुम यह बच्चा अच्छा बस तो हम लोगों ने टीका वगैरह भी लगा लिया मंदिर पे और मंदिर पे जो जो प्रोग्राम हुआ आपको दिखाया झोरा चाचरी दिखाया और इतने सब्सक्राइबर मिले उनसे भी मिलाया आप लोगों को बीच बीच में ना ब्लॉगिंग करने का टाइम ही नहीं मिला था क्योंकि इतनी भीड़ थी और ना हल्ला गुल्ला भी बहुत ज़्यादा होता है तो मेरे वहाँ माइक नहीं है ना तो आप लोगों के पास आवाज़ नहीं पहुँच पाती तो इस वजह से भी हमने ब्लॉग नहीं बनाया अभी हम जा रहे हैं ऊपर पे हाय कैसे हो कहाँ से हो आप अच्छा थैंक यू ब्लॉग देखते हैं थैंक यू अच्छा आपका माइक हुआ धरकोट में 27 साल के बाद आज देखने का सौभाग्य अच्छा इतना टाइम अच्छा हाँ अच्छा ये भी अपने माइके आएंगे ना दोनों बहने हो अच्छा और घर कहाँ हो आपका यही मुंशारी अच्छा तो इतना टाइम क्यों लगाया फिर मेले देखने में जैसे यही रहते हो तो अच्छा सासू माँ ने सासू माँ का प्यार अच्छा चलो भी बढ़िया लगा आपसे मिलके थैंक यू सो मच नमस्ते दोस्तों बोल दो फिर नीचे मंदिर से पहुंच गए मेन रोड पे जहाँ पे मेला लगता है मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रोड पे ही लगता है मेला तो अभी ना भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा हो गई यहाँ पे जब हम आए थे तब तो कम ही भीड़ थी लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई ये देख सकते हैं दोस्तों अभी ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग दिख रहे हैं अभी ना यहाँ पे लोगों की जनसंख्या भी बढ़ गई है बाकी दोस्तों सामने पे देखो मौसम का हाल बेहाल है काले काले बादल आ गए हैं और ना हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है ये दुकानों में ज़्यादातर बच्चों के खिलौने ही दिख रहे हैं ये देख सकते हैं और बच्चे लोग भी देखो ये हेलो कैसे हो गाइस क्या क्या खरीदा नमस्ते क्या क्या खरीदा दिखाओ ना हाथ में तो कुछ नहीं है हाथ तो जुटते हैं आपका भुट्टू नहीं खाया है भुट्टू क्या खाया पर ये देखो दोस्तों बॉयज यहाँ पे आ रहे क्योंकि यहाँ पे चश्मे की दुकान है ना तो सारे ये बच्चे जो है चश्मे लेने के लिए आए चश्मा खरीदने के लिए आए हो 10 रुपए का नमस्ते कैसे हो हैं अभी कर दो ये देखो दोस्तों आज तो ना इतने सब्सक्राइबर मिल रहे ना क्या बताऊं सारे मिनी ब्लॉगर के सब प्यार करने वाले हैं मिनी ब्लॉग को प्यार करने वाले ठीक है फिर बाय बाय गाइस बारिश भी स्टार्ट हो गई है वायु ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज बारिश होने वाली है बहुत सब्सक्राइबर आ गए हैं ओहो यहाँ भी देख सकते हैं भटवा और अर्जी बना हुआ है और यहाँ पे देखो कितनी भीड़ है देख सकते हैं आप लोग टेस्टी से यहाँ पे ना बालूशाही बने और सबसे टेस्टी तो ये दिख रहा है यहाँ पे भटवा घीमर्जी और चने भी बने हैं और ब्रेड पकौड़ा भी बना है तो दोस्तों बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि लोग छाता लेके भी घूम रहे हैं मेले में इस बारिश हो के ना इतना हालत खराब है अभी ना बाबी का देखा सिंदूर कहाँ पहुँच रहे हैं बारिश ने ना पूरे मेले का मजा किरकिरा कर दिया गाइस बहुत बेकार
पहला शंटा होता बनाना और गाइस बारिश से भीग जाएगा ना पार्क। तो जैसे बारिश स्टार्ट हुई तो लोगों के ना भीड़ भी कम देखने को मिल रहे हैं, सभी लोग निकल गए अपने अपने घरों को क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। बीना भाभी भटवा खिला रही है, अब आएगा मजा। भैया का जी रतन बुट्टू बैगी बेची ने है, बैगी बेची ने है बुट्टू हुन्ना दने। ये देखो गाइस मेरे सब्सक्राइब, ये दरे दरे दी के है दरे दी मुल आनंद बेटी रे ना माते दोस्तों कनन मुलानो छिल या बाबू जोने लग गए है होना चाहिए मेरे सब्सक्राइबर। हां आपकी को बस सब्सक्राइब दने बेटी रा करा दी मौसम में तेल ठगे के एक पल्ली बताओ मौसम ही हो जाएगा मौसम हम रे को बात खाने अपन जरा शिकाड़ा आग मत खुश कर बनाया छी। हां हमर वहां तक तीन नाची छी जे बनी नाची। अब बिना भाभी ने हमें खिलाया है भटवा जैसा था, ये शीतौर की दिमा धीरे ना दोस्तों 80 रुपए का ये शीतौर मिला, ये देखो भुट्टू मिला दो प्लेट 80 रुपए का, थैंक यू भाभी। निशु चखना कैसा बना है टेस्ट करना, अच्छा बना है भाभी आप भी करो ना कैसे बन रहा है तना तो चाहते रहो। इस भटवा खाने के बाद हम लोग यहाँ पे मीठा खा रहे हैं। बालू शाही कितने का है बालू शाही? 10 रुपए का एक। ओके फिर बाय 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 दजाशा दजाशा ओ ठीक तू ठीक तू दजाशा मुलिया नो नंदिन पतोशा अपन दजा दजा। गाइस ये देख सकते हैं मौसम जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे 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 दोस्तों मौसम ज़्यादा ख़राब होते जा रहा है। अभी तो दोस्तों कोहरा भी लग गया है, बारिश तो हो ही रही थी दोस्तों, अभी ना देख सकते हैं अब चारों तरफ कोहरा भी लग गया है। भुट्टू और बालू साय खाने के बाद अभी हम लोगों ने यहाँ पे अंडे का क्या मंगा रखा है पकौड़िया मंगा रखे हैं। बारिश इतनी तेज हो रही कि सभी लोगों ने अपना सामान समेट लिया है और गाड़ी में पैक करके सभी लोग जाने लग गए अपने अपने घरों को। ये देख सकते हैं अभी मेले का माहौल भी सुनसान सा हो गया है, बहुत कम लोग दिख रहे हैं, जिनका यहाँ पे दुकानें हैं वही दिख रहे हैं और आधे लोग वहाँ पे समेट रहे हैं। बारिश ने पूरे मेले का मजा किरकिरा कर दिया है। नमस्ते दोस्तों।